और नोएडा में 7 साल की मासूम से हैवानियत हुई है। मासूम के शरीर पर घाव के निशान मिले हैं। पुलिस ने मां को हिरासत में ले लिया। मां होमवर्क नहीं करने पर काटती है, ऐसा मासूम का कहना है। नोएडा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि एक मां ने 7 वर्षीय मासूम को बुरी तरीके से प्रताड़ित कर दिया पढ़ने के लिए। प्रताड़ना से डरी समी बच्ची ने स्कूल में टीचर्स के सामने अपनी दिक्कत बताई और बच्ची ने किसी और को अपने हाथ अपने साथ हो रही हैवानियत के बारे में नहीं बताया था, लेकिन स्कूल में टीचर्स ने बच्ची को भरोसे में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। बच्ची ने बताया कि मां मारती है, काट देती है। स्कूल के एक टीचर ने बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। एक ऐसी तस्वीर और भी सामने आई थी जहां पर एक मां ने बच्ची के दोनों हाथ पैर बांधकर चलती हुई छत पर दोपहर में लिटा दिया था। और ये तस्वीर अब देखिए नोएडा से आई, जहां पर 7 साल की जो मासूम है उसकी मां ने उसको पीटा और उसके शरीर पर कट्स लगा दिए। काटती है, मारती है, मेरे को सहा नहीं जाता है। मेरी मदद करिए, थैंक यू। मैं ऊपर नंबर 10 पे रहती हूँ नोएडा में। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मेरे को सहा नहीं जाता है। मेरी मदद करिए, थैंक यू। वीडियो हम लोग के संज्ञान में लाया गया था जिसमें एक बच्ची के साथ उसके मदर के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। हम लोगों ने उसमें जांच की और उसके बाद जांच में जो तथ्य थे वो सही पाए गए थे। हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की गई। हाँ, जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इस बच्ची को अप्रैल के महीने में गोद ली थी उस महिला ने और उसके बाद उसके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ था। जो एविडेंस थे उसके हिसाब से हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर उसमें कार्रवाई की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।